नमस्कार, आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज में। और यूपी की राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारा आज दिन भर चलने वाला खास कार्यक्रम, योगी सरकार के 100 दिन और उसका रिपोर्ट कार्ड। बड़ा प्रदेश और उससे भी बड़ा बहुमत। जी हां, इसी साल 11 मार्च को एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में, यूपी में, अपना 14 साल का वनवास खत्म किया, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सत्ता में की वापसी। चुनाव भर आप और हम यही सुनते रहे कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जब फैसले का वक्त आया तो काफी असमंजस की स्थिति रही और राजनीति में नेताओं की भीड़ में से एक अलग पहचान बनाने वाले एक योगी को मिली उत्तर प्रदेश की कमान। योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सीएम का जितना बड़ा चेहरा उससे बड़ी उनके सामने चुनौती। सत्ता में आते ही उन्होंने ये कहा कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का पूरा फैसला किया है उन्होंने और वो कोशिश करेंगे। अब सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में कितना आगे बढ़ा, यूपी की तस्वीर आखिर कितनी बदल पाई। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 100 दिन के अपने कामकाज का हिसाब किताब देते हैं और इतना ही नहीं, मीडिया और जनता के सामने आकर सवालों को सीधे सुनते हैं और उनका जवाब देने की चुनौती भी स्वीकार करते हैं। तो योगी सरकार के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड पर हमारे साथ इस वक्त सवाल जवाब के लिए मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तालियों के साथ मैं चाहूंगी योगी आदित्यनाथ जी का मंच पर स्वागत किया जाए, बेहद खास मेहमान। और उनके साथ हमारे सहयोगी दिबांग इस सत्र का संचालन करेंगे। योगी सरकार के 100 दिन में कितनी बदली यूपी की तस्वीर। नमस्कार, योगी सरकार के 100 दिन इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के वोटरों ने एक बड़े सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब फिर उत्तर प्रदेश एक प्रश्न प्रदेश बनकर खड़ा है। सवाल कई हैं, क्या सरकार अपने वादों को पूरा कर पाएगी, क्या हैं चुनौतियां और आगे की योजनाएं क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपका स्वागत है। सबसे पहले योगी जी, अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि आप 5 मिनट में मंच से कहें कि आप 100 दिन को कैसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की नवगठित सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं सर्वप्रथम एबीपी न्यूज को हृदय से साधुवाद देता हूं और एक स्पेशल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यपद्धति को लेकर के यहाँ पर आयोजित है, इसके लिए मैं एबीपी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर श्रीमान राजकिशोर जी, देवांग जी और उनकी पूरी टीम को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। सज्जनों, उत्तर प्रदेश नवगठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 दिन का अपना कार्यकाल संपन्न किया है। विधानसभा चुनाव के पूर्व जनता में प्रदेश के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं थी, एक भ्रम की सी स्थिति थी। हम उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को आज़ादी के बाद का एक प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश किस विधानसभा में दिया है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का दायित्व मेरे ऊपर सौंपा है। स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश पिछले 14-15 वर्षों से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आगोश में पूरी तरह डूब चुका था, उसके सामने चुनौतियां भी होंगी और उतनी ज़्यादा समस्याएं भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर चुनौतियां हैं तो उसका समाधान भी संभव है, अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। नियत ठीक होनी चाहिए, नियंता लक्ष्य की प्राप्ति स्वयं करवा देगा। और एक प्रयास किया गया है पिछले 100 दिन के दौरान, ये 14 वर्ष का जो वनवास था उत्तर प्रदेश का, इसने उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कोई कार्य संस्कृति नहीं, आकंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई व्यवस्था, बेलगाम नौकरशाही, जंगल राज और अराजकता का नग्न तांडव, यह उत्तर प्रदेश की एक पहचान बन चुकी थी। नौजवानों का पलायन, आत्महत्या कर रहा किसान, बुनियादी सुविधाओं से वंचित उत्तर प्रदेश का आम नागरिक, असुरक्षित बेटी और माताएं, ये उत्तर प्रदेश की एक विकृत चेहरा बना दिया गया था पिछली सरकारों के द्वारा। 19 मार्च को जब हम लोगों ने सत्ता संभाली तो मैं अपने सहयोगियों के साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठा था, तो बातचीत के क्रम में एक चर्चा चली कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश को भी यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन लागू नहीं कर पा रहा है। ये मामला था अवैध बूचड़खानों को लेकर के। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं कि आप इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त रख दिए हैं कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा लक्ष्य इसलिए रखे जाते हैं जिससे व्यक्ति प्रयास कर सके उसे प्राप्त करने के लिए। आखिर न्यायपालिका के आदेश उत्तर प्रदेश के अंदर लागू क्यों नहीं हो पा रहे थे? इलीगल स्लॉटर हाउसेस के बारे में जब चर्चा चली तो उन्होंने कहा साहब ये कभी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने एक ही बात कही कि जो नहीं हो पाया था उसी को तो लागू करने के लिए जनता ने हमें भेजा है और इसीलिए हम लोग आए हैं। 24 घंटे के अंदर जितने भी इलीगल स्लॉटर हाउसेस उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे ये बंद होने चाहिए, हर हाल में बंद होने चाहिए। और वही प्रशासन जो अब तक टालमटोल करता था, असंभव जिसे लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, उसी प्रशासन को उन इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने के लिए खड़ा होना पड़ा। 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेस उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हुए। कार्यालय आने का कोई समय नहीं, वर्षों से पड़ी हुई फाइलें धूल चाट रही थी,
कार्यालयों में दलालों का जमावड़ा दिखाई देता था, पान खा खा करके कोने बिल्कुल लाल हो रखे थे। एक कार्य संस्कृति तैयार करने के लिए कहा गया कि हर अधिकारी 9 बजे प्रयास करे कि वो कार्यालय में बैठ करके जन समस्याओं का समाधान करे, और यह न केवल उच्च प्रशासनिक अधिकारी के लिए, सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी के लिए, अपितु जिले में बैठे हुए अधिकारियों के लिए भी लागू किया गया। वर्षों से जंग लगी हुई व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा, बहुत सारे लोगों को कष्ट भी होगा। जिन लोगों की अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया उन लोगों को भी कष्ट होगा, और मुझे लगता है यह वह दौर है जब वह द्वंद्व प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस कार्य संस्कृति को पिछली सरकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, परिवारवाद, जातिवाद और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के लिए नष्ट कर दिया था, उसे पुनर्स्थापित करना, मेरा यह मानना है कि व्यक्ति के लिए संस्थाओं को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति आएगा जाएगा, लेकिन इन संस्थाओं को बने रहना चाहिए, क्योंकि इन संस्थाओं पर इस व्यवस्था का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए वह इन संस्थाओं को नष्ट करें, इनकी कार्य पद्धति को अवरुद्ध करें। और इस नवगठित सरकार ने प्रदेश के अंदर उस नई कार्य संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का एक नया प्रयास इस 100 दिन के अंदर प्रारंभ किया गया, और ये कारण है कि पहली बार उत्तर प्रदेश का किसान उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा बन पा रहा है। ये केवल हम लोगों ने कर्ज माफी तक सीमित नहीं किया। दूसरी बात, जब हम लोग बैठे तो मैंने मंत्रालय से पूछा कि भाई हम लोगों को प्रदेश के अंदर गेहूं प्रक्योर करना है किसानों का। उन्होंने कहा साहब उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा तो नहीं होता है, सरकार घोषित कर देती है, आढ़तियों के माध्यम से कुछ संस्थाएं खरीद लेती हैं। हम लोगों ने कहा आढ़तियों की व्यवस्था समाप्त होगी, एजेंटों की व्यवस्था इसमें समाप्त होगी, किसानों से गेहूं का क्रय सीधे होगा, कितना आपके पास स्टोरेज क्षमता है। उन्होंने कहा प्रयास करेंगे तो 40 लाख तक हो सकती है। मैंने कहा पिछली बार कितना क्रय किया गया। उन्होंने कहा साहब क्रय किसानों से कभी नहीं होता है, ये आढ़तियों से होता है, पिछले वर्ष 7 लाख मीट्रिक टन क्रय किया गया, लेकिन 40 लाख तो नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा 40 लाख ही नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 80 लाख मीट्रिक टन तक खरीदेंगे, लेकिन किसानों से सीधे खरीदेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं। मैंने उसी समय मंत्री परिषद से 2 सदस्य चुने, 4 अधिकारियों को चुना। मैंने कहा भी आप जाइए देश के अंदर जिस राज्य में सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी होगी उसको आप लेकर के आइए। समय हमारे पास कम था, 1 अप्रैल से हमें गेहूं क्रय के केंद्र प्रारंभ करने थे। उस सब के बावजूद 29 को हम लोगों ने यहां से अपना दल रवाना कर दिया। वो गए छत्तीसगढ़, उन्हें 31 की शाम को आना था, नहीं आ पाए। वे 1 अप्रैल को शाम तक पहुंचे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यही प्रशासन खड़ा हो गया था 31 तक मेरे सामने। हम 5000 केंद्र प्रदेश के अंदर गेहूं क्रय की खोल रहे हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड किसानों से, सीधे किसानों से रिकॉर्ड 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा सीधे गया। प्रदेश के अंदर विद्युत का वितरण एक वीआईपी नई कार्य संस्कृति को इन लोगों ने जन्म दिया था। 5 जिलों में बिजली मिलेगी, उसमें भी 24 घंटे नहीं, बाकी 71 जिले इससे वंचित होंगे, 70 जिले इससे वंचित होंगे। उनमें 4 घंटे 6 घंटे मिलता था। शपथ लेते ही हम लोगों ने कहा कि भाई ये वीआईपी संस्कृति बंद कर दो। अगर किसी एक जनपद को, उन्नाव को या कानपुर को आप 6 घंटे बिजली दे रहे हैं तो प्रयास करिए कि प्रदेश में सब जिलों को 6 घंटे ही बिजली मिलेगी। और अगर आप
उन्नाव या कानपुर को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं तो प्रदेश के अंदर सभी जिलों को दीजिए। हाथ खड़ा करने लग गए हैं, साहब ये कैसे हो पाएगा? हम सीएम के जिले को दे देंगे और जिलों को दे देंगे, तो हमने कहा भी सीएम का जिला तो मेरा जिला तो पूरा प्रदेश ही है, अब कोई एक जिला मेरा नहीं हो सकता है, मैं किसी एक को लेकर के नहीं चल सकता, मुझे प्रदेश के 75 जिलों के बारे में सोचना है, प्रदेश की 22 करोड़ जनता के बारे में सोचना है। चुनाव लड़ने के पहले हो सकता है चुनावी मंचों पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही होंगी, लेकिन चुनाव के बाद बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ, परिवार, जाति, मत, मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता और पूरे प्रदेश के अंदर हमें इसे लागू करना है, तो फिर इसकी एक कार्ययोजना तैयार करिए। तब तक वही व्यवस्था आप लागू करिए जो कानपुर या उन्नाव के लिए आपके द्वारा पहले से लागू थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 अप्रैल से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 75 के 75 जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, प्रदेश के अंदर तहसील मुख्यालयों और संपूर्ण बुंदेलखंड को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई। ट्रांसफार्मर जलते थे, महीना दो महीना लगता था, गांव का ट्रांसफार्मर नहीं बदलता था, हम लोगों ने 48 घंटे ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 24 घंटे की समय सीमा शहरी क्षेत्र के लिए लागू की कि आप इसके अंदर इसको बदलिए, इसके अंदर इस कार्य को करिए। प्रदेश के अंदर वह लागू हुआ। आज आप जाइए पूरे प्रदेश के अंदर, रात्रि में निकलिए, प्रदेश के गांव में बिजली जलती हुई आपको दिखाई देगी। प्रदेश के अंदर मीडिया ने इसको बहुत चलाने का प्रयास किया कि हमने 15 जून का लक्ष्य रखा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, 121,000 किलोमीटर की सड़कें प्रदेश के अंदर गड्ढा युक्त थी, गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य, हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन खनन की प्रदेश पिछली सरकारों की जो नीति थी वह मुझे लगता है हर व्यक्ति से परिचित है। प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार को राजस्व जितना प्राप्त नहीं होता था उससे कई गुना ज्यादा प्रदेश के अंदर खनन मंत्री की आय हो गई थी, यानी खनन मंत्री ज्यादा धनी था, प्रदेश के राजस्व में उतना, राजकोष में उतना पैसा नहीं आ पाता था। हम लोगों ने कहा बदलो इसको, कोर्ट की रोक थी, हम लोग कोर्ट में एफिडेविट लेकर के गए, भारत सरकार से मार्गदर्शन लिया, कोल आवंटन की पूरी नीति को हम लोगों ने यहां लागू किया और फिर ई टेंडरिंग के माध्यम से, सेटेलाइट मैपिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नई खनन नीति को लेकर के हम लोग आए, न्यायालय ने हमें अनुमति दी। प्रारंभ में हमारा कार्य गड्ढा मुक्ति का थोड़ा उससे बाधित हुआ, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान 85,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार ने किए हैं और जो कार्य बचे हैं हम बरसात के बाद उनको प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगे, प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त भी होंगी। प्रदेश में अवैध खनन एक पेशा बन गया था, सरकार से जुड़े हुए लोग, माफिया गिरोह, इनके द्वारा बड़ी मात्रा में इस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, कड़ाई के साथ उसको रोका गया, खनन माफिया पर लगाम कसा गया, वन माफिया पे लगाम कसा गया, प्रदेश के अंदर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन करके अब तक 153,000 से अधिक हम लोगों ने भूमि प्रदेश के अंदर चिन्हित की है, जिस पर राजनीतिक संरक्षण में पूर्व सरकारों के कार्यकाल के दौरान अवैध कब्जे हुए हैं। अब इसके बाद पूरी की पूरी हमारी, हम लोगों ने उसका एक पोर्टल भी तैयार कर लिया है, ऑनलाइन भी लोग शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करने के बाद हम उस सब की जांच करके पूरी एक सूची तैयार कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी भूमि पर, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वाले उन माफियाओं के खिलाफ एक विशेष अभियान प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है, जो प्रदेश के अंदर उन लोगों को, जिससे आने वाले समय में जवाहरबाग जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके, इसको सख्ती के साथ रोकने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। प्रदेश के अंदर एक नई प्रकार की कार्य संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया। स्वाभाविक रूप से
विकास और सुशासन के लिए आवश्यक है कानून का राज। जो लोग बेरोजगार हुए हैं अवैध खनन के उस अनैतिक धंधे से, वन माफिया, प्रदेश के भू माफिया, संगठित गिरोहों को चलाने वाले माफिया, राजनीतिक संरक्षण पाने वाले सभी माफिया जिस समय प्रदेश के अंदर पूरे अपने ले, जब कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वे लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये अपराधी और ये माफिया प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे पाएंगे। हम समय रहते न केवल इन्हें नियंत्रित करेंगे, अभी तो कानून को हाथ में लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने कानून के सामने चुनौती प्रस्तुत की, तो बहुत सख्ती के साथ प्रदेश सरकार ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगी। हम लोग प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव हर जाति, हर वर्ग, हर मत, हर मजहब, हर लिंग के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों, प्रदेश के अंदर एक टीम भावना के साथ हम लोग कार्य कर सकें, कृषि को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ करके किसानों की आय को हम आगे बढ़ा सकें, प्रदेश के अंदर युवाओं के पलायन को रोकने के लिए हम एक नई औद्योगिक नीति के साथ प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, प्रदेश के बुनियादी ढांचागत विकास के लिए हम लोगों ने अपनी कार्य योजनाएं बनाई हैं, बहुत जल्दी वह व्यवहारिक रूप में भी क्रियान्वित होती हुई दिखाई देंगी। प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, ये सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, और मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को यह दायित्व दिया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरेंगे ही। साथ ही साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस विश्वास को, जिस अपेक्षा और जिन आकांक्षाओं के साथ इस सरकार को गठन करने के लिए अपना समर्थन दिया है, हम उन अपेक्षाओं पर और उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। मैं एक बार पुनः एबीपी न्यूज को उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मीडिया एक सशक्त भूमिका का निर्वाह कर सकता है जनता और सरकार के बीच में, और एबीपी न्यूज वैसे भी एक सकारात्मक भूमिका के साथ हमेशा आगे रहा है। मैं इस सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा आगे भी रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। योगी जी, मैं पिछली बार आपको मिला था गोरखपुर में, वहां आप एक बड़े मठ का काम बहुत तरीके से कर रहे हैं। अब हम हैं लखनऊ में। मैं अगर आपसे कहूं कि थोड़ा आप अंतर्मुखी होकर ये बताएं कि भाई इन 100 दिनों में आपने किस तरह का अनुभव किया और उनसे आपको क्या मोटी सीखें मिली। देखिए, मैं एक मठ से तो जुड़ा ही हूं, पिछले 18-20 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में भी रहा हूं, और मुझे लगता है कि मठ के अंदर जो मैंने सीखा कि धर्म एकांगी नहीं है, उसको उसके दो हेतु हैं, एक अभ्युदय का, एक निष्क्रियस्य का। मठ उस निष्क्रियस्य की पूर्ति का एक साधन है, एक माध्यम है, और सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हुए जिस अभ्युदय की प्राप्ति के लिए, लोक कल्याण के जिस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, उसका एक सशक्त माध्यम है। इन दोनों के माध्यम से मैंने सीखा, लेकिन मुझे चीज देखने को मिली, खासतौर पर जिस प्रकार की निराशाजनक स्थिति 2014 के पूर्वार्ध में थी देश के अंदर, और उस समय इस देश को
एक अलौकिक नेतृत्व के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला और पूरे देश में एक विश्वास जागृत हुआ। उस विश्वास ने इस देश को एक नई गति दी आगे बढ़ने की, और मुझे ये महसूस हुआ कि वह विश्वास हमें उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से स्थापित करना होगा, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास का एक माहौल बन चुका था। पिछली सरकारों की भ्रष्ट कार्य प्रणाली, परिवादवाद और भ्रष्टाचार के आगोश में डूबने के फलस्वरूप इन्होंने यहाँ की संस्थाओं को नष्ट किया। उस नई कार्य संस्कृति को यहाँ विकसित किए जाने की आवश्यकता है, और स्वाभाविक रूप से लीडरशिप कैसी है इस पर निर्भर करता है। हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें यहाँ लीड करना होगा, और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, पूरी टीम ने मेहनत किया है, एक नई कार्य संस्कृति को इस दौरान हम लोगों ने यहाँ विकसित किया है। योगी जी, पर मेरा सवाल जस का तस है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने निजी तौर पर, अगर मैं पूछूं, मैंने निजी तौर पर यही महसूस किया है कि लीडरशिप अगर अच्छी हो तो लोग अच्छी दिशा में चल सकते हैं। लीडरशिप अगर अच्छी नहीं है, लीडरशिप अगर भ्रष्ट है, लीडरशिप पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो फिर व्यवस्था का और समाज की अपूर्णीय क्षति होती है, और उत्तर प्रदेश उसका एक नमूना है। क्या आपको ऐसा लगा कि जब विपक्ष में होते हैं तो आप मांग करते हैं चीजों के बारे में, और कुछ भी मांग सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, आपका काम ही आलोचना है, पर जब आप सरकार में हैं तो उसकी असलियत सामने आती है, जिम्मेदारी सामने आती है, चीजों के बारे में अलग से देखने का, समझने का और समग्र रूप से देखने का एक मौका मिलता है। हाँ। क्या ये बात आपको महसूस हुई? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, जवाबदेही व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, और उस जवाबदेही के साथ कार्य करना लोकतंत्र में किसी भी सरकार का दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन भी कितनी ईमानदारी के साथ आप कर रहे हैं, यह आपकी कार्य पद्धति इसके लिए जिम्मेदार होती है। प्रदेश की नवगठित सरकार ने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। ये बताइए कि एक जो बड़ी चिंता है लोगों को कि हमारे जो बड़े राज्य हैं, जिनको बीमारू राज्य कहा जाता है, इसका ऊ कब उड़ेगा? देखिए, हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और हम लोगों ने जो 100 दिन के अंदर अपनी कार्य योजना बनाई है वह उसी दिशा में एक प्रयास है। हम अवश्य सफल होंगे। उत्तर प्रदेश को हम देश के सर्वोत्तम और विकसित राज्यों में स्थापित करेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। तो चूंकि आप बिल्कुल समय सीमा तय करते हैं, ये बीमारू का जो ऊ है ये कब तक, कितने सालों में, कौन से वर्ष तक ये उड़ जाएगा? देखिए, अभी 100 दिन के लक्ष्य को लेकर के, 100 दिन की कार्य पद्धति को लेकर के ही आप प्रश्न कर रहे हैं। एक बार हमें आगे बढ़ने तो दीजिए, आपके सामने आएगा। ये अंतिम आपके साथ वार्ता नहीं है, अभी हम कई बार बैठेंगे। मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न अगली बार के लिए भी रखिए। अभी तक आप सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे, पर योगी जी, जब आप आए तो एक तरीके से, एक तो चमत्कार के तरीके से देखा गया पूरे राज्य में, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, आप शुरुआती 10-15 दिन देख लीजिए आपकी सरकार के, ऐसा लगा कि चमत्कारी हो गया एकदम, और जिस तरह की घोषणाएं हुई उसके बाद से और ऐसा लगा, उसके बाद से फिर लग रहा है कि जो समस्या है वो जस की तस है, इसने अपना विकराल रूप जो पहले था वो अभी फिर दिखाई दे रहा है। आपने इस पर कभी मंथन किया कि हुआ क्या इसमें, और क्या और करने की इसमें आवश्यकता है? हम लोगों ने सारे जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं घटित हुई हैं या हो रही हैं, इन सब के बारे में हम लोग प्रतिदिन मंथन करते हैं, व्यापक चर्चाएं भी करते हैं, और फिर उसका समाधान भी निकालते हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 12-14 वर्षों के अंदर किसी व्यक्ति की, यानी कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई निरीह है, उसकी FIR ही लॉज नहीं होती थी। हम लोगों ने कहा FIR 100% आप दर्ज करिए, और फिर उसके रिजल्ट सामने लेकर के आइए। आप भयभीत मत होइए कि अपराध के आंकड़े हमारे बढ़ रहे हैं। FIR लॉज होगी, एक समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करिए, प्रॉपर पैरवी करिए, अपराधियों को दंडित करवाइए,
अपराध रोकने का एक तरीका ये होगा। दूसरा, उन पेशेवर आपराधिक और माफिया गिरोहों को चिन्हित करिए जो दृश्य और अदृश्य रूप से इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, उन पर लगाम कसिए, उन पर कड़ाई करिए। ये कार्रवाई हमारी चल रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जितने भी अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्व थे, इन तत्वों को चिन्हित करके, इनके खिलाफ कार्रवाई करके, गैंगस्टर की कार्रवाई करके, आवश्यकता पड़ती तो इनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ होनी चाहिए। और इस दौरान जब ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है तो स्वाभाविक रूप से जो लोग वर्षों से अवैध खनन के धंधे में लिप्त थे, जो लोग वर्षों से तमाम प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति पर राजनीतिक संरक्षण में काबिज थे, जो लोग बनों के अवैध कटान में लिप्त थे, तो वहाँ से बेरोजगार होंगे तो कहीं ना कहीं वे लोग डिस्टर्ब करेंगे। हम लोग पहले से इसके प्रति सतर्क भी थे, लेकिन आने वाले समय में ऐसे तत्वों पर बहुत सख्ती के साथ लगाम न केवल कसी जाएगी, अब तो ये सभी प्रकार के अवैध गतिविधियां प्रदेश के अंदर बंद भी होंगे। पर योगी जी, ये बताइए, आप ये कैसे आप इसको बताएंगे कि पहले 15 दिन तो लगा जैसे मतलब रामराज आ ही गया है, वो अचानक बंद कैसा हो गया सब कुछ, वो एकदम चीजें सुधर सी कैसे गईं? 14 वर्ष के बाद ही रामराज आता है और उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज ही आया है। आप चिंता मत करिए, ये रामराज ही है और उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम ऐसा सुधार देखने को लोगों को मिलेगा। पहले से परिवर्तन हुआ है, लोगों का विश्वास जगा है। मुझे स्वयं इस चीज़ का एहसास होता है कि जो लोग वर्षों से यहाँ से प्लान कर रहे थे, जो लोग यहाँ पे निवेश करने से डरते थे, आज उन लोगों का आना फिर से प्रारंभ हुआ है। उसको और मजबूती के साथ कार्य करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन ने इस दौरान अच्छा करने का प्रयास किया है, उसको और बेहतर हम लोग करवाएंगे। पर वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये 14 वर्षों के बाद तो जरूर आया, लेकिन लगता है केवल 14 दिन रहा, उसके बाद फिर व्यापारियों की हत्याएं, सामूहिक बलात्कार, ये बीच में ये 14 दिन और बाद में ये चीजें ऐसे लग रहा है हाथ से निकल सी रही हैं, फिसल सी रही हैं। और देखिए, आपका मानना हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अवैध गतिविधियों में लिप्त थे, उन पे जब लगाम कसा गया तो वे लोग डाइवर्ट हुए हैं, उन्होंने कानून को बहुत सारी जगह चुनौती देने का प्रयास किया है। मेरा ये मानना है वे लोग सफल नहीं हो पाएंगे। अब तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, 99% घटनाओं को पुलिस ने वर्कआउट किया है, अपराधी जेल के अंदर गए हैं, उन पर प्रॉपर कार्रवाई हो रही है, उनको सजा भी दिलाई जाएगी। और मुझे लगता है कि ये अन्य लोगों के लिए एक सबक है कि अपराधी कोई भी होगा, कानून को चुनौती कोई भी देगा, पुलिस उस पर मजबूती के साथ सिंगंजा कसेगी और कार्रवाई करेगी। एक तरीके से कानून व्यवस्था की जो बड़ी चुनौती आपके पास सामने आई वो सहारनपुर में आई, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई और लगातार वो आग सुलगती सी रही, उसमें ऐसा लगा कि मैंने अपने कार्यक्रमों में कहा भी कि योगी सरकार की नजर उस तरफ है नहीं, कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है, कैसे आप देखते हैं उसको? देखिए, सहारनपुर के अंदर घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था और उस साजिश में आग में घी डालने का कार्य किया था जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का वहां कार्यक्रम लगा। ये वहां के प्रशासन की एक भूल थी। यद्यपि कार्यक्रम के बाद जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि मायावती वहां जा रही हैं, तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई ये कार्यक्रम कैसे और किसने उनको अनुमति दे दी वहां जाने की। लेकिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जो समय के थे, वे लोग इतने आत्मविश्वास से भरपूर थे कि उन्होंने कहा, साहब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, ये सब मूर्खतापूर्ण सोच है, कैसी आप बात कर रहे हैं? जहां पर जातीय संघर्ष को उकसाने का प्रयास किया जा रहा हो, वहां पर एक जाति विशेष से जुड़ी हुई नेता को आप कार्यक्रम बनाएंगे तो क्या होगा? मैंने इस दौरान मंत्रियों के कार्यक्रम वहां रद्द करवा दिए थे। मैंने इस दौरान वहां पर कोई भी ऐसे व्यक्ति को जाने से इनकार किया था जिसके कोई प्रोटोकॉल लागू हो और जिसके कारण वो बाद में कहे। मैंने कहा, ये आप लोग स्वयं वहां पर स्थिति बिगाड़ रहे हैं। और हुआ वही, उसके बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर, DIG सब के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों को करनी पड़ी थी। हम लोग कोई भी अगर, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए पैदा हुई पिछले 12-15 वर्षों के दौरान, जो एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए थी उसका ह्रास हुआ है। उस क्षमता से
एक जो अपने विवेक का परिचय देना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसका ह्रास हुआ है, और ये सहारनपुर की घटना इस बात को प्रमाणित करती है। क्या आपको लगता है कि कोई विशेष ऐसा या अधिकारियों का वर्ग है जो जिस तरह से आप चीजों को चाहते हैं उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ढिलाई है? ऐसा नहीं है। देखिए, आखिर काम तो इसी प्रशासन को करना है, लेकिन उसकी कार्य पद्धति में कुछ कमी है तो उसको सुधारने का कार्य भी शासन का है। और प्रशासन ने 100 दिन के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है, मेहनत से काम किया है, प्रशासन भी पुलिस भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। वर्षों की बिगड़ी हुई व्यवस्था को कुछ समय लग सकता है सुधरने में, लेकिन मेरा विश्वास है अवश्य सुधरेगा। हम इसको लाइन पर लाएंगे, अधिकारी संवेदनशील बनाएंगे, जवाबदेह बनाएंगे, पारदर्शी बनाएंगे, और प्रदेश के विकास के प्रति उतना ही आग्रही भी बनाएंगे। योगी जी, आपने एक काम जाने अनजाने में बड़ा अच्छा किया, आपने रोमियो शब्द हटा दिया एंटी रोमियो स्क्वाड से, जो शेक्सपियर के चाहने वाले हैं उनके पेट में बड़ा दर्द होता था। पर ये जो नारी सुरक्षा दल बना, इसमें भी देखा गया कि लोग अपने आप खड़े होकर किसी की भी पिटाई कर रहे हैं, इस तरह के कई वीडियो सामने आए। ऐसा नहीं है। देखिए, इसके लिए गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी, और अगर किसी ने भी वहाँ पर कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, या गाइडलाइन के विपरीत किसी पुलिस अधिकारी ने कहीं पर इस प्रकार की हरकत की, तो वहाँ पर शासन के स्तर पर ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। लेकिन प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा एक चैलेंज तो था, काफ़ी हद तक वो दूर हुआ है। जो बाकी रह गया है इसको भी हम एक समय सीमा के अंदर दूर करेंगे। इस काम में आपकी जो हिंदू युवा वाहिनी है वो भी काफी सक्रिय है। आज मैं चाह रहा हूं कि चूंकि आप एबीपी न्यूज पर हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं जिनके साथ आप रहे, जो आप ही का संगठन है? देखिए, कोई भी संगठन हो अगर वो कानून को हाथ में लेगा, देखिए सरकार जब कार्य कर रही है पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ, तो कानून को हाथ में कोई भी नहीं लेगा। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लिया तो कानून फिर अपना कार्य प्रारंभ करेगा, किसी को भी बख्शेगा नहीं, चाहे वह कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी कोई भी हो। पर इसके बारे में आपने कुछ अंदर अपनी मंत्रणा उनको अंदर ही अंदर संदेश कुछ ऐसा भेजा है क्या? देखिए, ये संदेश सबके लिए है, किसी संगठन विशेष के लिए नहीं, पूरे प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए संदेश है। फिर जो मसला आया जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल आता है योगी जी, वो गौ रक्षा वाला और गौ रक्षक बन के जो खड़े हुए हैं वो उनका, और कल प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत अपनी साफ बात रखी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, जो लोग अन्य दलों से बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने भी भगवा गमछा अपने गले में डाल करके और इस प्रकार की हरकतें करनी प्रारंभ की हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं घटित हुई है जहां गोरक्षा के नाम पर किसी निरीह किसी व्यक्ति को पीटा गया हो, मारा गया हो, और मुझे लगता है कि आगे भी इस प्रकार की घटना नहीं घटित होगी। एक दूसरा, मैंने पहले कह दिया है कि ये सूचना देना तो ठीक है, पुलिस को आप दीजिए, प्रशासन को दीजिए, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो शासन को कहिए, बताइए हम लोग मौजूद हैं, लेकिन कानून को कोई हाथ में लेगा तो भाई स्वाभाविक रूप से कानून तो उस पर कार्रवाई करेगा। ये जो पूरा मुद्दा है गौ रक्षा वाला, क्या आप जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उससे पूरी तरह से सहमत हैं कि आपकी इसमें और भी और विस्तार से आप इसको कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य स्पष्ट है कि हम कथित गौ रक्षा के नाम पर राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति पर हाथ न चलाएं, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ न करें, और मुझे लगता है कि हम इसको अक्सर सब पालन भी कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर इस प्रकार की किसी भी घटना को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। एक संगठन है इंडिया स्पिन, उसका कहना है कि गौ रक्षा, गौ मांस, इससे जुड़ी हुई 11 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। एक भी घटना नहीं हो सकती, कहने के लिए तो कोई पाकिस्तान में बैठ के कुछ भी कह सकता है, पाकिस्तान हमारा कितना हितेशी हो सकता है हर व्यक्ति जान सकता है, लेकिन मुझे लगता है प्रदेश के अंदर कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटित हुई।
इसी से जो जुड़ा हुआ एक सवाल है योगी जी, जो ये वो ये है कि जब आप गौरक्षा वाली बात होती है तो क्या इसमें भेदभाव होता है धर्म का? क्या मैं साफ कहूं तो क्या मुस्लिम जो लोग हैं उनको खास तौर पर इस पे निशाना बनाया जाता है? देखिए, निशाना नहीं किसी को बनाया जाता है। अगर कोई गौ तस्करी कर रहा है तो प्रशासन क्या उसकी पूजा करेगा? कोई इल्लीगल स्लॉटर हाउस चला रहा है तो प्रशासन उसकी पूजा थोड़े करेगा? अवैध और अनैतिक गतिविधियों को संचालित करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब का हो, प्रशासन सख्ती के साथ ऐसी गतिविधियों को रोकेगा और कार्रवाई करेगा। प्रशासन रोकेगा? प्रशासन रोकेगा। पर आपको लगता है कि जब प्रशासन इतने एक तरीके से गुस्से में बोलता है तो इसका संदेश और भी जाता है? देखिए, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस सरकार के आने के बाद प्रदेश के अंदर तस्करी नहीं के बराबर है। प्रदेश के अंदर इलीगल स्लॉटर हाउसेस लगभग पूरी तरह बंद हैं। एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसका पालन प्रदेश के अंदर पूरी तरह से हुआ है। पर जो आपने जब चुनाव हुए, चुनाव से पूर्व तो आपने ये भी कहा कि आप अवैध बूचड़खाने नहीं, आप यांत्रिक बूचड़खाने भी बंद करेंगे। देखिए, इलीगल स्लॉटर हाउसेस की जब बात आती है, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो जो भी नहीं करता है, चाहे वह सड़क पर हो, किसी एक घर के अंदर हो या फिर किसी यांत्रिक कत्ल खाने में हो, अगर वह उस गाइडलाइन के अनुसार मानक के अनुरूप उसको नहीं संचालित कर रहा है तो उसको प्रदेश के अंदर बंद कराया गया है। इसमें दोनों हैं, इसमें यांत्रिक कत्ल खाने भी आए हैं और इसमें अन्य सामान्य कत्ल खाने भी आए हैं। तो हम लोगों ने तो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, एनजीटी उससे पहले उस बात को कह चुकी थी, हम लोगों ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ही फॉलो करते हुए उसको लागू कर दिया प्रदेश के अंदर। क्या भविष्य में योजना है कि यांत्रिक बूचड़खाने भी बंद हों? देखिए, हमने कहा ना, हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स कर दिया है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। केवल उसको हम लोगों ने लागू किया है। केवल? हाँ, जो उसके दायरे में आता है हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसमें ये एक कहा जाता है कि भारत जो है वो बीफ का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में, ब्राज़ील भी है नंबर दो पर ब्राज़ील के अंदर जो वहाँ पे पशु उनको लेकर समस्या हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए का बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, इस पर लेख लिखे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में कि भारत ऐसा क्यों कर, इस पर उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमें अगर किसी एक वर्ग या किसी एक मजहब विशेष की भावनाओं के सम्मान की आप बात करते हैं तो प्रदेश के अंदर भी हम बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करेंगे और मुझे लगता है कि हम इस प्रकार की इजाज़त उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि को हम कतई संचालित नहीं करने देंगे जिससे व्यापक जनभावनाएं आहत होती हों, और कोई करेगा तो सख्ती के साथ ऐसी गतिविधियों को हम लोग रोकेंगे। एक तरीके से आपने एक जिन खोल दिया है और मेरे ख्याल से शिवराज जी अगर मन ही मन दुखी हो रहे होंगे तो आपसे दुखी हो रहे होंगे। आपने ये जो कर्ज माफी की बात शुरू की और कहा कि नहीं हम इनको लागू करेंगे, उसका सबसे जो दर्द है वो शिवराज जी झेल रहे हैं आज, इस पर आपकी क्या क्या राय है किसान कर्ज माफी पर? देखिए, किसान कर्ज माफी एक किसानों के लिए उपहार नहीं है जी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों जो पिछले कई वर्षों से बाढ़ है, सूखा है, अतिवृष्टि है, ओलावृष्टि है, इसकी मार को तो झेल ही रहा था। लगातार आप देखेंगे 15-16 में लगातार उसने 3 सालों तक दैवीय आपदा को झेला है। दूसरा, पिछले 12-15 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर आने वाली सरकारों के एजेंडे में कभी किसान था ही नहीं। प्रदेश के अंदर चीनी मिल मालिकों के बारे में तो सरकार कोई फैसला ले लेती थी लेकिन किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके बारे में वो साइलेंट हो जाती थी। प्रदेश के अंदर उसकी उपज का उसे उचित दाम मिले कभी नहीं मिल पाया। तो एक हम लोगों ने इस व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को, इस किसानों के सतत विकास
और उसकी आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ा है कि किसान को अगर आत्मनिर्भर हम नहीं बनाएंगे, उसके विकास के लिए कोई कार्य योजना हम लोग अगर लागू नहीं करेंगे, तो वो कर्ज के बोझ तले वह जो सिसकियां ले रहा है, कहीं ना कहीं हमें उसे उभारना होगा। और फिर एक साथ हम लोगों ने एक घोषणाएं की हैं, हमने बैंकर्स को इस बारे में कहा कि भाई 31 मार्च 2016 तक किसानों के, लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के कर्जों पर कोई नोटिस किसी किसान को न मिले। दूसरा, 17 तक इस बारे में व्यवस्था कर लें कि जिन लोगों का एनपीए हो चुका है उन लोगों की भी आप कोई नोटिस नहीं जारी करेंगे, अपनी पूरे स्टेटमेंट के साथ हमारे साथ बैठिए, हम इस पर व्यापक चर्चा करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर लगभग 86 लाख किसानों को हम लोगों ने इस व्यवस्था से लाभान्वित हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने इस किसान के सामने एक ऑफर भी दिया है कि हम आपकी उपज का दाम उसे देंगे, हम उस पर किसी प्रकार की कोई मेहरबानी नहीं करने जा रहे हैं, उसकी उपज का उसे उचित दाम मिले। हम लोगों ने गेहूं क्रय केंद्र इसी आधार पर प्रारंभ किए थे, 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय इसी आधार पर, पिछले वर्ष से 5 गुना से अधिक गेहूं का क्रय इसी आधार पर किया। आरटीजीएस से समर्थन मूल्य के साथ साथ 10 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त तो पैसे की व्यवस्था उस किसान को की गई। ये गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर हो, ये हम लोगों ने प्रयास इसी दिशा में प्रारंभ किया है। और आने वाले समय में मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि अगर हम कर्ज माफी तक ही सीमित होते तो ये आगे कदम नहीं उठाते। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो स्टेट के 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन 4 कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा प्रदेश के अंदर हर जनपद में, जो बड़े जनपद हैं वहाँ 1 कृषि विज्ञान केंद्र, छोटे जनपद हैं वहाँ 1 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की कार्य योजना, नए कृषि विज्ञान केंद्र हम लोगों ने इसी वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने प्रारंभ करने की योजना स्वीकृत कर दिए हैं, उस पर कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिससे आधुनिक तकनीक के साथ हम किसान को जोड़ सकें। क्योंकि अगर हमें किसान की आय को सचमुच दुगना करना है, हमें उसे तकनीक के साथ जोड़ना पड़ेगा, उसे आधुनिक बीज देने पड़ेंगे, समय पर खाद देनी पड़ेगी। और ये व्यवस्था की पहली बार हुआ है, किसान को बीज और खाद के लिए भटकना नहीं पड़ा। आने वाले समय में हम पर्याप्त मात्रा में धान को भी यहाँ पर क्रय केंद्र स्थापित करेंगे, पर्याप्त मात्रा में खरीदेंगे। किसान को आत्मनिर्भर किए बगैर हम प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। प्रदेश का विकास करना है तो किसानों के विकास से रास्ता निकलता है, और प्रदेश की सरकार ने इसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है, इस दिशा में हमने प्रयास किया है। और किसानों के बारे में, वो अन्नदाता है, मुझे लगता है कि अन्नदाता सुखी रहेगा तो सभी सुखी रहेंगे। अन्नदाता हैं आप लोगों ने उनको, भाग्य विधाता भी बताया है। भाग्य विधाता है तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की कर्ज माफी से देश का बैलेंस शीट बिगड़ेगा। परसों हमारा जीएसटी पर विशेष कार्यक्रम था एबीपी न्यूज का, उसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये राज्यों को खुद इसकी व्यवस्था करनी है। 36,500 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे योगी जी? हमने अब व्यवस्था अपने आप की, हमने केंद्र सरकार से कोई पैसा इस संबंध में नहीं मांगा है। हम लोगों ने पिछले सरकार के पूरे उनके कार्यों की समीक्षा की और हम लोगों ने पाया है कि इतने आर्थिक अनुशासनहीनता थी कि अगर उस अनुशासनहीनता को हम थोड़ा भी लगाम लगा लें और उस अनुशासनहीनता, उस आर्थिक अनुशासनहीनता को हम लोग नियंत्रित कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि किसानों के इस सतत विकास और आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए इस कदम पर किसी भी प्रकार की कोई चुनौती हमारे सामने नहीं आएगी। हमें पैसा अपने स्रोत से देने जा रहे हैं, अपने पास से देने जा रहे हैं, जनता पर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के देने जा रहे हैं, प्रदेश की विकास की योजनाओं पर बिना किसी बाधा के देने जा रहे हैं। और हम प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे प्रदेश की सरकार उठाएगी, प्रदेश के किसानों को खुशहाल करेगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करेगी। योगी जी कहते हैं जो विस्तार से चीजों को देखो तो असलियत पता चलती है। ये 36,500 करोड़ का अगर मैं आपसे विस्तार से पूछूं तो ये पैसा कहां से आएगा? 36,500 करोड़ आएगा कहां से? हमारा बजट आ रहा है जुलाई में। मैं अभी अगर आपके सामने सारी बातें कह दूंगा तो ये एक प्रिविलेज का मामला बन जाएगा विधानसभा में।
इसलिए अच्छा होगा कि आप बजट के लिए इंतजार करिए, नहीं तो सारी चीज़ें आप आज ही मैं कह दूंगा तो बजट के दिन फिर आप लोग अपना टेलीविज़न में दूसरी चीज़ दिखाने लग जाएंगे। कम से कम आपके लिए कुछ चीज़ तो मैं उस दिन के लिए छोड़ूं जिस दिन हमारा बजट प्रस्तुत होगा विधानसभा में, इसलिए उस दिन का इंतजार करिए और ये मान करके चलिए ये कार्य हो चुका है, इसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं बिना किसी के सामने बिना कहीं से अतिरिक्त सहायता मांगे हुए। प्रदेश अपने स्रोतों से इस राशि को वहन करने जा रही है, प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के अन्नदाता किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है और हम इसको मजबूती के साथ लागू करेंगे। ये हमारे पास यहाँ काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, उनके भी कुछ सवाल हैं और ये सवाल चित्रा का है जो एबीपी न्यूज से ही है। ये कह रहे हैं कि क्या लालू और नीतीश की जोड़ी की तरह बिहार में अगर यहाँ भी जोड़ी बन जाए, अखिलेश यादव की, मायावती की, कांग्रेस तो साथ में रहेगी, तो क्या हाल होगा? देखिए, प्रदेश की जनता ने 2014-2017 में प्रदेश के अंदर परिवारवाद और जातिवाद को पूरी तरह ठुकरा दिया है। परिवारवाद और जातिवाद के लिए अब राजनीति में कोई स्थान नहीं है। यह 2014-2017 की लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव ने साबित कर दिया है। इसलिए कोई भी मिले, अब मुझे लगता है कि इस प्रकार की बेमेल जोड़ी के लिए प्रदेश की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थान नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि बेमेल जोड़ी है तो नीतीश कुमार को एक बार फिर एनडीए में शामिल होना चाहिए? क्या आप उनको न्योता देना चाहेंगे? आपके राज्य के नहीं है, पड़ोसी राज्य के हैं, न्योता तो दे सकते हैं। मैं जो है इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकता हूं जी, लेकिन मैं तो दरभंगा गया भी था जी और मैंने तो वहां बोला भी ये सब बातें। मुझे लगता है कि आपका एबीपी न्यूज तो वहां पहले ही पहुंचा हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने उस दिन जो मैंने वहां कहा होगा वो दिखाया ही होगा, तो उसको बार बार रिपीट करना उचित नहीं होगा। योगी जी, सवाल फिर आया एक सड़कों का जी। क्या आपको लगा कि आपने जो तारीख तय कर दी 15 जून और इतनी बड़ी समस्या के लिए, क्या मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता रही कि उन्होंने एक बड़ा काम और उसके लिए एक डेट भी फिक्स कर दी? नहीं, मैंने डेट जानबूझ करके फिक्स की है और आगे भी हम फिक्स करेंगे जी। जब 19 मार्च को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सत्ता संभाली थी तो 10, 11, 12 दिन हम लोगों ने पूरा सर्वे कराए थे पूरे जिलों में, प्रदेश के सभी 75 जिलों में, और पाया था कि प्रदेश के अंदर 121,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त हैं। चुनाव के दौरान भी हम लोग इस बात को देखते थे, अनुभव करते थे, और इसीलिए सभी विभागों के लिए पीडब्ल्यूडी हो गया, गन्ना विभाग है, सिंचाई विभाग है, मंडी समिति है, स्थानीय निकाय की इकाइयाँ हैं, इन सभी के सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भाई 15 मार्च तक प्रदेश के अंदर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की आप कार्रवाई सुनिश्चित करिए। एक लक्ष्य रखा गया उनके सामने कि आप इस कार्य को करें। मैं जानता था कार्य कठिन होगा क्योंकि पिछली सरकारों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के कारण प्रदेश के खनन पर हाईकोर्ट की पहले से रोक थी। हम लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े, हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में हम लोगों ने एफिडेविट दाखिल किया, अपनी नई जो खनन की नीति थी इसको उनके सामने प्रस्तुत किया, माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के बाद उच्च न्यायालय ने फिर हमें आदेश दिया, फिर उस प्रक्रिया को पूरा करने में तब तक मई बीत चुका था, तो ये एक चैलेंज था। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दौरान 85,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। अगर मैं लक्ष्य नहीं निर्धारित करता तो प्रदेश की जनता के सामने 121,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त तो होती। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब आपने ये क्यों कर दिया कि प्रदेश के अंदर हम 75 के 75 जिलों में बिजली देंगे, तो मुझे लगता है कि जनता का ये अधिकार है, जनता को मिलना चाहिए, हम लोगों ने किया है और आगे भी जनता के व्यापक हित के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा, कोई लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। पर योगी जी, इसमें ये नहीं होता कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और वो पूरा न हो तो विरोधी ये भी कहेंगे कि ये अपनी बातें करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते हैं? विरोधी के पास कुछ और बोलने के लिए है,
121,000 किलोमीटर सड़कें ये मैंने नहीं दिए हैं, ये तो हमें विरासत से मिले हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से। तो स्वाभाविक रूप से अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसके दोषी उतना मैं नहीं हूँ जितना कि वे लोग स्वयं हैं दोषी जो मुझे इसके लिए दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। एक आपने जो नया काम किया जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ, वो आप अयोध्या गए, आपने रामलला के दर्शन किए। कई विरोधियों ने तब भी कहा कि इस समय वो आपको वहां नहीं जाना चाहिए, उससे दूरी रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप उन विरोधियों के लिए और ऐसी बात करने वालों के लिए? किसी भी अच्छे कार्य को प्रदेश के अंदर हम जब प्रारंभ कर रहे हैं तो विरोधी तो हर कार्य के लिए कहते हैं साहब, अब उनको सड़क भी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है सड़क से ज्यादा सेकुलर काम क्या हो सकता है, तो उनको सड़क का सेकुलर कार्य भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं बिजली दे रहा हूं, हमारी सरकार बिजली दे रही है, तो उन्हें यह भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग अवैध बूचड़खाने बंद कर रहे हैं, न्यायालय का आदेश है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग एंटी रोमो स्क्वाड गठित कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या जाना उनको अच्छा कैसे लग सकता है। और मैं अयोध्या गया था, मुझे वहाँ एक कार्यक्रम में भी भाग लेना था, उस कमिश्नरी की बैठक भी मुझे समीक्षा बैठक भी लेनी थी। और भाई अयोध्या जाएंगे तो रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या उपेक्षित थी, आज़ादी के बाद से उसका जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। हम लोगों ने अयोध्या के विकास की कार्य योजना तैयार की थी, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अयोध्या का समग्र विकास हो, उसको हम धार्मिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से तो उसका विकास कर ही सकें, भौतिक विकास की जो अपार संभावनाएं वहां पर हैं इसको हम कर सकें। पिछली सरकारों ने अयोध्या में रामलला की जो अखंड रामायण की रामलला की परंपराएं थी उसको अवरुद्ध कर दिया था, हम लोगों ने इसको चालू करवाया, सरयू जी की आरती वहां पुनः प्रारंभ करवाई, और भी तमाम प्रकार की योजनाएं थी। अगर अयोध्या जाने से इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं, अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आते हैं प्रतिवर्ष, अगर उनकी सुविधाओं के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। ये सवाल है, नेहा है एबीपी न्यूज़ से, अभी उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया। आप लोग जो सवाल पूछना चाहें नेहा को लिखकर दे सकते हैं कागज पर, नेहा है यहाँ पर एबीपी न्यूज़ से, नेहा है। इनका सवाल है कि इन 100 दिनों में क्या बीजेपी के नेता विधायक ही योगी सरकार की किरकिरी करते नजर आए? मसलन बियर बार का मंत्री द्वारा उद्घाटन, विधायक का महिला आईपीएस अधिकारी चारू निगम को फटकारना, ये तो आप ही के वहाँ की घटना है। क्या आपने ऐसे लोगों की क्लास ली प्राइवेट में? या देखिए, कहीं भी कोई घटना घटित होती है, देखिए एक तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि तिल को ताड़ बनाने का, और उसको मुझे लगता है कि मीडिया थोड़ा सकारात्मक दिशा में थोड़ा बात करती तो अच्छा रहता। लेकिन कोई चीज आती है तो ऐसा नहीं कि पूछा ना जाता हो, बुलाकर के बात की जाती है, पूछा जाता है भाई क्या इसका कारण है, क्यों ये सब कार्य हुए हैं, और उनसे चर्चाएं होती हैं। अगर घटना सच है तो आगे से इस बात की हिदायत दी जाती है कि भाई इस प्रकार की चीजें आगे नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह घटना कुछ और है, उसको किसी और रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। और मेरा विनम्र आग्रह होगा मीडिया से कि एक सकारात्मक भूमिका के साथ अगर मीडिया सामने आ जाए, इन सब चीज़ों की पूरी तह में चली जाए, और मुझे लगता है कि जैसे प्रत्येक घटना का पोस्टमार्टम करते हैं तो इस घटनाओं का भी एक बार कर लें तो बहुत अच्छा होगा, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और लोग अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हों। मैं आपसे जुड़े और मीडिया और आपके संबंधों से जुड़े सवालों को आगे पूछूंगा, लेकिन ये सवाल राजकिशोर हैं एबीपी न्यूज से, राजकिशोर जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ सवाल है कि यूपी पीसीएल के जो अफसर हैं वो कंसल्टेंसी करने वालों को मल्टीनेशनल कंपनी से कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इस बात से अवगत हैं? क्या उनकी जो कार्यप्रणाली है अफसरों की, उनकी अपनी जो धारणाएं हैं वो आपके मंसूबों को फेल कर सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में हम लोगों ने इधर काफ़ी फेरबदल किया है, और वहाँ पर उसका मूल चूल परिवर्तन उसके अंदर हो यह आवश्यक है।
क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर हमें मेक इन यूपी के कॉन्सेप्ट को वास्तव में क्रियान्वित करना है तो यूपीपीसीएल की जो है गतिविधियों को हम लोगों को बहुत मजबूती के साथ मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ाना होगा। वहाँ पर बहुत अच्छे अधिकारियों की तैनाती हुई है और एक अच्छी दिशा में उसको लेके चल रहे हैं। एक आपसे अगर मैं जुड़े सवाल पूछूं योगी जी, एक तो आपकी छवि है कट्टरपंथी की, ये जब आप प्रशासन में आते हैं ये आपको मदद करती है कि आपको इससे परेशानी होती है? मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मुझे देख के आश्चर्य होता है कि कट्टरपंथी होने का आपका मतलब क्या है। आप तो छवि है आपकी, ऐसा कहते हैं। अब छवि छवि किस रूप में है? अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई को अगर सही रूप में आप प्रस्तुत करते तो आप मुझे कट्टरपंथी शब्द मुझे कहते ही नहीं यहाँ पे। लेकिन आपने कहा है तो भी अगर प्रदेश के हित में कट्टरपंथी छवि जनता के हित में उनके हित में ये आवश्यक होगा तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जो प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में होगा, मुझे उस प्रकार के कदम उठाने में कोई संकोच नहीं है, नहीं होगा। योगी जी, जब आप मुख्यमंत्री बने जी तो एक बड़ा लेख छपा, एक बड़े कानूनविद ने लेख छापा लिखा, आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको मालूम है सवाल क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक मठ के प्रमुख हैं तो आप राज्य के प्रमुख नहीं होने चाहिए। धर्म का एक स्थान है, राजनीति का एक स्थान है। ये विवाद दुनिया भर में आज से नहीं, मतलब सैकड़ों साल से ये चल रहा है और इसकी इस पर अलग अलग राय और बहुत कुछ लिखा गया है। आप इसको कैसे देखते हैं, इसका आप कैसे जवाब देते हैं? मुझे लगता है कि 100 दिनों की कार्य पद्धति को उन लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने अपने लेख में पश्चाताप हो रहा होगा कि उन्होंने जो लिखा है वह अपने आप में असत्य साबित हो चुका है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें धर्म और रिलीजन के अंतर को महसूस करना होगा जी। जब हम दोनों को एक साथ जोड़ करके देखते हैं, मैंने आपके सामने कहा ना कि धर्म रिलीजन एकांगी है लेकिन धर्म एकांगी नहीं है। हम उसको समग्र रूप से देखें, हमारे सामने दोनों, जब धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म के दोनों हित तो हमारे सामने भी है। एक उसका अभ्युदय का पक्ष है, एक निष्क्रियस्य का पक्ष भी है। अभ्युदय का पक्ष सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करना, लोक कल्याण के लिए कार्य करना, अगर लोक कल्याण के इस अभियान को आगे बढ़ाने में अगर हम कहीं सहयोगी बन सकते हैं तो मुझे लगता है कि किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसमें कोई मत कोई मजहब आड़े नहीं आ रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। अब इसके बावजूद भी कुछ लोगों को लिखने की आदत है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मुद्दों पर सही और गलत लिखने की मैं जो लगता कोई किसी प्रकार की रोक तो है नहीं और ना किसी प्रकार की कोई टोक है। ये नवलकांत सिन्हा हैं, ब्लॉगर हैं, पत्रकार हैं, ये पूछ रहे हैं कि आजम खान ने जो विवादित बयान दिया है उसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, और अगर गलत मानते हैं तो क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, जनता की नज़रों में मृत पड़े कब्रों को उठाने का प्रयास क्यों पब्लिक बार बार करती है? मुझे लगता है कि उनको मृत ही रहने दीजिए, पुनर्जीवित मत करिए। ये सुनील सिंह यादव हैं, MLC हैं उन्नाव से, ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 14 वर्षों का वनवास था, उत्तर प्रदेश का था या BJP का था? फिर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बार ईद की मुबारकबाद नहीं दी, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मीडिया को देखा होता तो ये प्रश्न नहीं करते। मतलब मीडिया में अगर, वैसे भी समाजवादी हैं तो पढ़ते लिखते कम हैं, इसलिए जो है इनसे इन चीजों से बहुत ज्यादा उन लोगों का बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। उन्होंने मीडिया को देखा होता, टेलीविजन को देखा होता, भाई सड़क पे उन लोगों को फुर्सत नहीं होती। बहुत सारे उनके ऐसे कार्य हैं जो सड़कों पर ही अंजाम दिए जाते हैं, पढ़ने लिखने का समय कम मिलता है, अखबार कभी देख ले होते, मीडिया को देख ले होते, इस प्रकार के प्रश्न उनके द्वारा नहीं होते। योगी जी, कई सवाल हैं GST को लेकर, खासतौर पर कपड़ा व्यापारियों के सवाल हैं। कपड़े पर कभी टैक्स लगता नहीं था, टैक्स लगा है पिछली बार, वो नाराज हैं। आपको मालूम है कि सूरत और मुंबई में बंद है पिछले 3 दिनों से, सूरत की बात करें तो 500 करोड़ का वह नुकसान भी हुआ है।
इस पर आप कुछ निवेदन करेंगे वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से? देखिए, हम लोगों ने प्रदेश के वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए व्यापारियों के साथ बैठक की है, कई राउंड की बैठक की है, और इस बारे में व्यापारी संगठनों ने, बहुत सारे संगठनों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो 5% GST कपड़े पर लगने की बात हुई है, वास्तव में जब यह सामने आएगा तो उस व्यापारी को देना कुछ भी नहीं होगा। ऑलरेडी उसके टैक्स अलग अलग मदों में पहले दिए जा चुके होंगे, जो पहले से था भाई, यार्न पर पहले से ही टैक्स है, कपड़े के सामान्य कपड़ों में भी अलग से टैक्स है, लेकिन उसको जो प्रस्तुत करने का, और कुछ लोगों ने उसको इस प्रकार से मुद्दा बनाने का प्रयास किया कि एक भ्रम की स्थिति बहुत सारे लोगों में, बहुत आपने देखा होगा लखनऊ में कुछ व्यापारिक संगठनों ने विड्रॉ किया है अपनी स्ट्राइक को, क्योंकि वे लोग जब सामने आए, बातचीत उनके साथ हुई, हम लोगों ने कहा कि भाई ये 5% तो आपको देना ही नहीं है भाई, हम लोग तो एक रेगुलेट करने की दृष्टि से सबको कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया गया है, ये नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जिद बनाए हुए हैं भाई, किसी राजनीतिक दल विशेष के होने के नाते तो आखिर वे लोग उनको अपनी बात बोलने का अधिकार है, वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन GST व्यापारियों के हित में भी है, इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्त करने का एक बेहद क्रांतिकारी आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है। हम सबको प्रधानमंत्री जी के प्रति इसके इस GST को लागू करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, उपभोक्ताओं के हित में भी है जी, लेकिन अगर कुछ लोग इसमें वो कर रहे हैं तो उनके साथ बातचीत करके इसका समाधान होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अच्छा है संवाद से समाधान हो सके किस समस्या का। ये सवाल है नीरज कुशवाहा का, पूछ रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात की, उसमें सिफारिशें हैं, क्या अति पिछड़ों के लिए उसमें कुछ सरकार करने के बारे में सोच रही है? क्यों नहीं भाई, हम प्रदेश की 22 करोड़ जनता के बारे में वर्षों से जिनकी आवाज़ दबाई गई थी, वर्षों से जिन लोगों की आवाज़ को, यानी उन्हें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बदहाल रखा गया था, उनकी आवाज़ को दबाई गई थी, उन सब के हितों के लिए सरकार कार्य करेगी, उनके उत्थान के लिए कार्य करेगी। ये सवाल सत्येंद्र पूछ रहे हैं कि नोएडा में बहुत सारे बिल्डर हैं जिन्होंने पैसे तो ले लिए हैं पर फ्लैट नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी क्या सरकार आपकी, आप कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं बड़ी समस्या है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर दोनों पक्षों से, बिल्डर से भी और बायर से भी हम लोगों ने बातचीत की है, नोएडा अथॉरिटी को, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इसको इसके बारे में पहले से कह दिया गया है। इस वर्ष लगभग ये 1.5 लाख बायर्स की समस्या है वहां पर, और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। इस वर्ष तक हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग लगभग 45,000 बायर्स को उनके मकान उनको उपलब्ध करवाएंगे। बिल्डर्स को इस बारे में कह दिया गया है, उनकी कैटेगरी तय करने के लिए वहाँ के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो लोग अभी भी ब्लैकमेलिंग में उतर आए हैं, चिन्हित करिए, समय सीमा के अंदर अगर ये कार्य नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त करके और बायर्स की समस्या का समाधान करो। लेकिन जो कार्य करना चाहते हैं, उनके सामने कोई समस्या है तो उन बिल्डर्स की भी समस्या का समाधान करो, और हम लोग इस एक समय सीमा के अंदर इसका समाधान निकालेंगे। योगी जी, पिछले दिनों आप मुस्कुराते हैं मेरा सवाल सुनने से पहले, पिछले दिनों एक ये विवाद हुआ, आपने कहा ये जो ताजमहल देते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में, क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, आजादी के बाद आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ये संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है कि नहीं? मैं वहीं आ रहा हूं ना, आप बीच में टोका टकी कर देंगे तो पूरा कहां से आप उत्तर सुन पाएंगे? आप आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? पहली बार हो रहा है जब हम लोगों ने भारत की परंपरा को वेद से जोड़ा है, रामायण से जोड़ा है, श्रीमद् भगवद गीता से जोड़ा है, और जोड़ने के साथ साथ भारत के अंदर जो भारत की वास्तविक विरासत है, एक समृद्ध विरासत है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करने के साथ साथ उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। हम लोगों को प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि भारत की योग की विधा को आज़ादी के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। बहुत सारे लोगों को इस पे आपत्ति होगी कि अरे साहब योग को क्यों कर रहे हैं आप, बहुत सारे लोगों ने योग के कार्यक्रमों का विरोध भी किया,
लेकिन अगर इस विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। ये भारत की अपनी ऋषि परंपरा के प्रति हम सम्मान का अभाव व्यक्त कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। इसमें हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वेदों की परंपरा पर, पुराणों की परंपरा पर, रामायण और श्रीमद् भगवत गीता की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अगर लोग लज्जित महसूस कर रहे हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आती है। नहीं तो ये हो सकता है कि गीता भी दें, उसके साथ एक प्रतीक चिन्ह ताजमहल भी दें, प्रेम का प्रतीक है ना, दें, लेकिन मुझे लगता है कि गीता की तुलना ताजमहल से नहीं की जानी। बिल्कुल नहीं जी, नहीं की जा, वो नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं की जा सकती, कभी नहीं, कभी नहीं की जानी चाहिए। नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं आप, मैं यही कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल नहीं तुलना कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके अब उसके बाद भी मुझे कट्टर कहेंगे तो मुझे इसमें भी बहुत लगता है। नहीं नहीं, आप मेरे सामने ही श्रीमद् भगवत गीता की तुलना ताजमहल से कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा, अभी मुझे आप कट्टर कहेंगे तो अब आपको स्वयं सोचना चाहिए कि मैं क्या हूं। नहीं, अगर आप किसी अन्य ग्रंथ की तुलना किए होते क्या स्थिति पैदा होती। नहीं योगी जी, मैं बिल्कुल, इसलिए मैं तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इसलिए मेरा कहना है क्या ये संभव है, देने वाले दें, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। ताजमहल एक पर्यटन का केंद्र हो सकता है लेकिन आस्था का केंद्र नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, ठीक है, हमें इस बारे में समझना होगा। लोग पर्यटन की दृष्टि से, मौज मस्ती की दृष्टि से, घूमने फिरने की दृष्टि से ताजमहल जा सकते हैं, लेकिन जब हम रामायण और श्रीमद् भगवत गीता की बात करेंगे, श्रद्धा के साथ आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने वाले महान ग्रंथ हैं, हमें इनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना होगा। भारत की परंपरा को अगर आगे बढ़ाना है, मुझे लगता है कि यहां पर हमारे कुछ समाजवादी भाई भी हैं, वे लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, डॉक्टर लोहिया का नाम ये लोग बहुत लेते हैं, यद्यपि उनके आदर्शों का अनुसरण कभी नहीं करते हैं लेकिन डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत को अगर भारत बने रहना है तो तीन महापुरुषों से, राम, कृष्ण और भगवान शिव, इन तीनों के प्रति आस्था उसको अपनी गाढ़ बनाए रखनी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, जो मैं श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहा हूँ या पुराणों की बात कर रहा हूँ, ये इन तीन देवों की प्रतीक भी हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए जी, भारत की एकता और अखंडता के लिए भी मुझे लगता है कि हमारी आस्था इन ग्रंथों के प्रति होनी चाहिए। नहीं, मैं फिर साफ कर दूं कि मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, नहीं नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं कहना है, आपको नहीं कहना है, मैंने कहा आपने आपने चूंकि मुझे पहले कहा कि आप बहुत कट्टर हैं, तो मैं कट्टर होता तो संभवतः आपके सामने बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मतलब आप ये हंस हंस के धमकी दे रहे हैं मुझे। नहीं, मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ भाई, मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ, धमकी देने की हमारी परंपरा ही नहीं है। अच्छा, सीधा काम होता है। पर योगी जी, आपको क्या लगता है कि बड़ी चुनौती अब आगे आपके लिए क्या है? देखिए, प्रदेश के अंदर जिस नई कार्य संस्कृति को यह सरकार आगे बढ़ाना चाहती है वो नहीं, क्या आपको लगता है कि योगी जी, क्या आपको लगता है कि 2019 एक बड़ी चुनौती है? देखिए, 2019 में हम सफल होंगे और वो हमारी एक परीक्षा है और उस परीक्षा में हम बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। नहीं, अच्छे अंक मतलब 80 में से 80? हाँ, एकदम 80 में से 80 अंक हम लोग, 80 में यानी 100 में से 100 अंक लेके आएंगे, 80 में से 80 सीटें लेकर के आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ, और उसी दिशा में ये सरकार कार्य कर रही है। मतलब कांग्रेस मुक्त और सपा मुक्त, बसपा तो वैसे ही मुक्त हो गई है, आने वाले समय में सब भी मुक्त होने जा रहे हैं। एक जो काम अगले 100 दिन में आप जरूर करने वाले हैं, जिसको लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं, वो ये है कि आप अगला विधानसभा जो चुनाव लड़ेंगे वो कहाँ से लड़ेंगे, पार्टी जहाँ से कहेगी? क्या उसमें आप गोरखपुर को भी त्याग देंगे क्या? ऐसा नहीं भाई, गोरखपुर मेरी कर्म भूमि है, मेरी साधना भूमि है। और देखिए, राजनीति, मैं एक बात को साफ कहूँ, मुझे बहुत बार लगता है, अक्सर मुझे इस बात को देख करके आश्चर्य होता है कि लोग मुझे एक फुल टाइम राजनीति, एक पॉलिटिशियन मान लेते हैं। हाँ, मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लोक कल्याण के लिए मैंने राजनीति का एक माध्यम चुना है। मुझे अंततः गोरखपुर ही जाना है और मुझे गोरखपुर ही रहना है, इसलिए
गोरखपुर को छोड़ने का सवाल नहीं होता। चुनाव के लिए पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। पर गोरखपुर से आप इस्तीफा तो देंगे लोकसभा? हाँ, लोकसभा का इस्तीफा तो बिल्कुल देंगे। क्या अयोध्या भी आपके उसमें है, अयोध्या से चुनाव लड़ सकते? भाई उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कहा ना कि 22 करोड़ जनता की ये सरकार है, 22 करोड़ जनता में से हम कहीं भी जा सकते हैं। मेरा विश्वास प्रदेश की जनता का विश्वास मुझ पर है, मेरा विश्वास प्रदेश की जनता पर है, इसलिए 22 करोड़ जनता से कहीं भी हम लोग जाएंगे, प्रदेश की जनता का विश्वास अगर है हम लोग सफल होंगे। योगी जी, एक बात जो कही जा रही है वो ये कह रहे हैं कि भाई अगली बार तो प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद आगे जिनका नंबर है उनमें सबसे आगे हैं आप सबसे आगे हैं, यानी आप अगले भावी प्रधानमंत्री, भविष्य के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं। हमें प्रदेश की अराजकता और जंगल राज से प्रदेश की जनता को मुक्त करने और प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश की आम जनता के हित के लिए इस लोक कल्याणकारी अभियान को, भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याणकारी अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है कि मुझ जैसे व्यक्ति पर प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वास किया है। ये विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और मुझे उस विश्वास पर खरा उतरना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। पर ये आपको एहसास है कि अगर आप इस अराजक राज्य को सही कर दें तो अब उसके बाद फिर लखनऊ, और लोग तो कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों को अराजक माना है, और मुझे लगता है कि जो सुधार हुए हैं या जो आने वाले सुधार होने जा रहे हैं इन सुधारों को भी मुझे लगता है कि आप लोग अवश्य स्वीकार करेंगे, मैं ये विश्वास करूंगा। दिल्ली वाला रास्ता? भाई मैं तो लखनऊ में हूँ और लखनऊ का कार्य मुझे जिम्मेदारी दी गई है। इतना बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, इस पर कार्य करना, उनके हितों के लिए कार्य करना, उस लोक कल्याणकारी अभियान को आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका कार्य करूँ। योगी जी, अंत में अगर आप दो मिनट में कहना चाहें कि किस तरह की चुनौतियाँ आप आगे देखते हैं और क्या योजनाएँ हैं बड़ी आपकी राज्य के लिए? देखिए, प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, प्रदेश के अंदर महिलाओं, बेटियों, माताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ युवाओं के पलायन को रोकना और किसानों की समृद्धि के साथ साथ प्रदेश एक नई तकनीक की ओर बढ़े, प्रदेश समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सके, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किए हैं। आने वाले एक वर्ष के अंदर आपको आमूलचूल परिवर्तन प्रदेश के अंदर दिखाई देगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और प्रदेश की सरकार पूरी तरह इसके लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपने अपना वक्त निकाला, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में आए। मैं अपील करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी मिलिंद खांडेकर जी से, मैनेजिंग एडिटर एबीपी न्यूज, वो मंच पर आए और योगी आदित्यनाथ जी को एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, हमारे कार्यक्रम में आए और योगी सरकार के 100 दिन पर अपने इरादे सामने रखें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।